हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट एंट्रीज को देखते हैं। नंबर सिक्स में, एग्जांपल नंबर सिक्स में, ऑन 9th अप्रैल मिस्टर अरोड़ा विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज RS 3000 टू बैंक। मतलब यहाँ पे 9 अप्रैल को अरोड़ा ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बैंक से 3000 रुपये विड्रॉ किया, निकाला। आइए हम लोग सबसे पहले इस बात को क्लियर वे में जानते हैं कि यदि हम लोग कभी भी कोई पैसा, कोई भी यदि हम लोग कुछ भी अपने बिजनेस से प्राइवेट यूज़ के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए, या आप यूँ कह सकते हैं घर के लिए, यदि हम लोग कुछ भी आहरित करते हैं, आहरण मतलब निकालना, यदि निकालते हैं तो उसको हम लोग ड्राइंग से संबोधित करते हैं, उसको हम लोग ड्राइंग अकाउंट के रूप में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको प्राइवेट यूज़ अकाउंट लिखेंगे या विड्रॉन अकाउंट लिखेंगे। हम लोग कभी भी अपने यूज़ के लिए यदि निकालेंगे, पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, तो उसको हम लोग ड्राइंग से संबोधित करते हैं। तो ये बात क्लियर है। तो चलिए हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोगों का आइए हम लोग देखते हैं कि ड्राइंग जो है ये हमारा कैपिटल से बिलोंग करता है। ठीक है, यदि आपका कैपिटल 10,000 रुपये है और आप यदि 3,000 रुपये बैंक से मतलब अपने लिए बिजनेस से निकाल लेते हैं प्राइवेट यूज़ के लिए, तो वहाँ पे हमारा जो कैपिटल होता है वो 10,000 के बदले अब 7,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 3,000 रुपये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हमारा यहाँ ड्राइंग जो है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, चूँकि ड्राइंग यहाँ पे हमारा खर्च हो रहा है। हम लोग यदि तभी ड्राइंग करते जब हमें अपने प्राइवेट यूज़ के लिए कुछ ज़रूरत होती है, और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, मतलब सभी खर्च और हानि डेबिट होती है, इसलिए ड्राइंग को हम लोग डेबिट किए हुए हैं। एंड देन कैश है, यदि हम लोग पैसा निकाल रहे हैं तो हमारे बिजनेस से पैसा गोज आउट है, जाने वाला है, इसलिए हम लोग कैश को क्रेडिट किए हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 3,000 रुपये हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं और हम लोग 3,000 रुपये हमारा कैश जो है वो जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग उसके ट्रांजेक्शन्स के एक नरेशन वाइज में एडजस्ट कर दिए, बैंक कैश विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। नेक्स्ट हमारा शो कर रहा है सेवन, एग्जांपल नंबर सेवन, ऑन 10th अप्रैल ही परचेज गुड्स ऑफ RS 500 बाय कैश। 10 अप्रैल को उसने 5,000 रुपये का सामान नकद खरीदा। तो हम लोग सबसे पहले डेट को एडजस्ट कर देते हैं, पर्टिकुलर डेट्स 2014 10th अप्रैल। ओके, अब यहाँ पे हमारा परचेज गुड्स है और यहाँ पे हमारा परचेज एंड गुड्स दोनों लिखा हुआ है, तो हम लोग इस बात को सबसे पहले क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब भी हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो खरीदने का इंग्लिश हमारा बाय भी होता है और परचेज भी होता है, बट हम लोग अकाउंट में कभी भी बाय अकाउंट या बाउट अकाउंट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग उस बाय के जगह पे BUY की जगह पे हम लोग परचेज का यूज़ करते हैं। अकाउंट में हमारा परचेज का यूज़ होता है, चूँकि बहुत से ऐसे जगह पे हम लोग सामान को परचेज करते हैं बेचने के लिए, और परचेज और बाय में यही डिफरेंस है कि जो सामान बेचने के लिए खरीदा जाए उसको हम लोग परचेज से संबोधित करते हैं, और अकाउंट में हमारा ज़्यादातर ऐसा ही हमारा पैदा होता है प्रोसेस कि हम लोग जो सामान खरीदते हैं वो हम लोग बेचने के लिए खरीदते हैं, इसलिए हम लोग बाय अकाउंट का यूज़ नहीं करके परचेज अकाउंट का यूज़ करते हैं। और एक बात और इसमें जान लेते हैं, हम लोग परचेज अकाउंट के थ्रू हमारा सामान आता है तो हम लोग परचेज की जगह पे यदि परचेज गुड्स रहे तो यहाँ पे सामान का एक्चुअली हमारा नाम शो नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर सामान यहाँ पे हमारा नोट में शो किया है, अगर सामान खरीदने या बेचने में सामान का नाम दिया हुआ रहे, जैसे मशीनरी, कंप्यूटर, ट्रक अकाउंट से लिखा जाता है, और अगर सामान का नाम नहीं दिया हुआ रहे तो परचेज सेल्स अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है। तो जो हमारा यहाँ पे सामान का नाम दिया हुआ है, तो सामान का यदि नाम दिया हुआ रहे तो हम लोग जिस सामान का नाम है वो मशीनरी अकाउंट, कंप्यूटर, ट्रक अकाउंट लिखेंगे। अदरवाइज यदि सामान का नाम नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग यदि खरीद रहे हैं तो उस अवस्था में हम लोग परचेज अकाउंट का यूज़ करेंगे, और सामान का नाम उसी बेसिस पे हम लोग सेल्स अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे परचेज अकाउंट के थ्रू हमारा सामान आ रहा है, आने वाला डेबिट, और हमारा जो कैश है वो
जा रहा है। यदि हम लोग कोई भी सामान परचेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा सामान सामान आएगा और आने वाले डेबिट और हमारा उस सामान खरीदने के एडजस्टमेंट हमारा जो है उसके बदले में हम लोग परचेस की जगह पे परचेस के बदले में हमारा कैश जाएगा, इसलिए हम लोग कैश अकाउंट को एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट एंट्रीज है हमारा 8 नंबर, ऑन 12th अप्रैल परचेस मशीनरी ऑफ ₹50,000 बाय कैश। यहाँ पे हम लोग जस्ट अभी बैक में हम बता चुके हैं अभी जस्ट कि यदि हम लोग परचेस के थ्रू हमारा कोई सामान के नाम का एंट्री सामान का नाम लिखा हुआ रहे तो हम लोग परचेज नहीं लगा के मशीनरी लगाते हैं। और जाहिर सी बात है यदि हम लोग कोई भी सामान या कुछ भी असिस्ट परचेस करते हैं तो उसके बदले में हमारा कैश जाता है। तो हम लोग यहाँ पे परचेस की जगह पे सामान का नाम का एंट्रीज करते हैं, मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट, और इसके बदले में हमारा कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। फिर देन हम लोग यहाँ पे डेट एडजस्ट करते हैं और जितना का सामान हम लोग खरीदे जो सामान खरीदे 50,000 का सामान आया और उसके बदले में हमारा 50,000 का ₹50,000 कैश गया। थैंक यू।